हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण सेट के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मैंने पहले से ही बतला दिए दोस्तों, तो आप सो लोग आए जो टेस्ट समझ के, जी हाँ दोस्तों टेस्ट समझ कर आप लोग आंसर देना एकदम दोस्तों। इसी टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं यही प्रूफ करना चाहूँगा कि जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का दोस्तों मैं सॉल्व कराऊंगा तो देख लेना दोस्तों एकदम इसी टाइप पर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना, एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएंगे। साथ में दोस्तों आपको पहले से आंसर पता हो तो आप लोग यार कमेंट करके जरूर बतलाना, ताकि आपका दोस्तों जो मेहनत होता है दोस्तों वो दिखेगा कि आप कितना मेहनत करते हो, ठीक है। अगर नहीं मेहनत करते दोस्तों तो आज से मेहनत करना चालू कर दीजिए। आपका दोस्तों अब अगस्त भी जल्द ही समाप्त होने वाला दोस्तों, तो आपके पास इसके बाद दोस्तों 4 महीने बचेंगे। फिर दोस्तों जनवरी में तो आपका सिर्फ रिविजन क्लास ही चलता है, तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए हम दोस्तों हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। देखिए दोस्तों बालकृष्ण भट्ट पूछेगा किस युग के रचनाकार है, तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट दोस्तों भारतेंदु युग के रचनाकार है, ठीक है। इसे दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। बालकृष्ण जब भी पूछेगा दोस्तों तो भारतेंदु युग के कवि होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है दोस्तों, छात्रों का सही जवाब है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए दोस्तों उसने कहा था जो कहानी है दोस्तों चांद शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, और ये दोस्तों द्विवेदी युग के कवि चांद शर्मा गुलेरी जी, ठीक है, इसे भी याद आप लोग रखना। लेकिन दोस्तों उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वो दोस्तों चांद शर्मा गुलेरी जी है, जिसे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कह सकते हो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों एकदम ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वीडियो में तब लास्ट तक बने रहो और दोस्तों हमें कमेंट करके बताना शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में से आपको पहले से मालूम कितने थे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चलिए कहा था दोस्तों थर्ड नंबर के 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए दोस्तों छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया था 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किया था। इससे भी दोस्तों याद रखना छात्र आंदोलन कब हुआ था, तो 1974 ईस्वी को हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर एकदम दोस्तों। एक एक ऑब्जेक्टिव एकदम याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर कहता है कि रोज कहन निबंध दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए रोज दोस्तों है जो किसके द्वारा लिखा गया, बहुत ईजी क्वेश्चन, आशा है कि सभी स्टूडेंट बतला देंगे। तो दोस्तों आज आगे जो कहानी है दोस्तों, सॉरी रोज जो शीर्षक निबंध है दोस्तों वो आगे द्वारा लिखा गया। आगे का दोस्तों जन्म जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग याद रखना क्योंकि एकदम ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रोज जो निबंध लिखा गया वो आगे के द्वारा लिखा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुंडलिक जी कौन थे। देखिए दोस्तों पुंडलिक जी थे वो कौन थे, तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे शिक्षक थे, ठीक है। अगर नहीं जानते दोस्तों तो जान लीजिए क्योंकि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। पुंडलिक जी कौन थे, ठीक है, जैसे आप लोग याद रखना दोस्तों शिक्षक, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्तों तो बढ़ा चढ़ा करके लिखना थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। तो पुंडलिक जी थे दोस्तों वास्तव में एक शिक्षक थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे एकदम दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहो और एक एक ऑब्जेक्टिव याद कर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुंडलिक जी कौन थे, तो ये तो दोस्तों शिक्षा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 6 नंबर कि तारों के कड़े किस चीज के बने होते हैं। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तारों के दोस्तों जो कड़े होते हैं किस चीज के बने होते हैं। तो आप लोग यार ध्यान दो, तारों के चीजें जो बने होते हैं दोस्तों मोती के बनी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। या पढ़ोगे दोस्तों बुक में तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे दोस्तों, एकदम ईजी क्वेश्चन है एकदम। मोती याद रखना, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, मॉडल सेट में पाका पूछा गया, लेकिन एग्जाम में पाका एक ना पाका पूछा ही जाना है क्वेश्चन, इसलिए कहता हूँ दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहो और एक एक ऑब्जेक्टिव याद करने की कोशिश करो। एग्जाम दोस्तों जब आएगा तो आपका रिवीजन क्लास चलेगा, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों उस समय बहुत याद करना दोस्तों, वहाँ पर याद ही नहीं होगा आप लोग दोस्तों, उधर रिवीजन आप करना, ठीक है। तो चले प्रज्ञित और समाज हो किसके लिए जो लिखा गया, देखिए दोस्तों प्रज्ञित और समाज, प्रज्ञित देखिए दोस्तों प्रज्ञित और समाज, नाम सुनते ही आप लोग दोस्तों लेखक का याद नाम कैसे कर सकते हो। सावे समाज में अपना नाम बनाना चाहते हैं दोस्तों, नाम ऊंचा करना चाहते हैं, इसलिए नाम बस इसे याद रखना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्रज्ञित, और दोस्तों जो समाज लिखा गया है वो नाम बस के द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था 8 नंबर की जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या है। देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो और सही सही उत्तर कमेंट करो क्या हो जाएंगे। तो जूठन के दोस्तों हेड मास्टर का नाम था वो काली राम था या काली राम था दोस्तों, ठीक है। झूठन के हेड मास्टर का जो नाम था दोस्तों वो काली राम था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एग्जाम में ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों,
आप जब दोस्तों मॉडल सेट जा रहे होगा दोस्तों इंटरनेट मॉडल, उसमें आप लोग देख लेना सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तिरछे के लेखक कौन है? चलिए तिरछे के लेखक कौन है, चलिए ऑप्शन में देगा मालियाज, ऑप्शन में मोहरा केस, ऑप्शन डी में उदय प्रकाश, ऑप्शन डी में देगा भगत सिंह। तो मालियाज है दोस्तों, ठीक है मालियाज है दोस्तों, कौन सॉरी तिरछी दोस्तों पूछा है, तिरछी है तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो उदय प्रकाश के द्वारा दोस्तों लिखा है। तिरछी में दोस्तों बोलते हैं तिरछ सॉरी तिरछ है दोस्तों, तो उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो देंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 नंबर कहता है कि आप कभी मेधावी नहीं हो सकते, किस कंडीशन में दोस्तों जो आप कभी मेधावी नहीं हो सकते बतलाइए, प्रयास ना करने पाए कि गलत कार्य करने पाए कि खुश होने पाए कि भावित होने पाए। तो दोस्तों आपने आप ये लोग सोचो, अगर आप दोस्तों मेधावी कब नहीं हो सकते हो, जब आप भावित हो जाते हो, ठीक है दोस्तों डर जाते हो भावित हो जाते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देंगे, अगर आप दोस्तों मेधावी बनना चाहते हो तो आज से आप लोग भावित होना दोस्तों छोड़ दीजिए, आज से आप लोग भावित होना दोस्तों छोड़ दीजिए, ठीक है तो आप लोग दोस्तों मेधावी बन सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 9 नंबर कहता है, चलिए ये तो है गया दोस्तों, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कहता है दोस्तों कि कड़वा के रचयिता कौन है। देखिए कड़वा का दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, आई होप इसका तो सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं। कड़वा का दोस्तों जो जायसी जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और दोस्तों जो जायसी जी आपने एक हक की तुलना किससे किया, तो दर्पण से किया, क्यों किया है तो ये सारी दोस्तों बातों को आप लोग याद रखना। कड़वा का जो दोस्तों जो कवि है वो जायसी जी हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और दोस्तों जो कड़वा का लिखा गया वो अवधि में लिखा गया, इसे भी आप लोग याद रखना यार, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए दोस्तों छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों एक आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, आपके लिए दोस्तों 400 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे भी अधिक होगा तो मैं दोस्तों आप लोगों को दूंगा। क्या करना है दोस्तों, 400 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों फिजिक्स में 400 ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री में 400 ऑब्जेक्टिव, हिंदी में 400 ऑब्जेक्टिव, और मैथ में दोस्तों आप लोग तो जान रहे हैं मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसमें दोस्तों मैं आपको मॉडल सेट ही करा दूंगा। क्यों मैं दोस्तों आपको बीबीए ऑब्जेक्टिव नहीं करा सकता, क्योंकि आप लोग दोस्तों कुछ छात्र होंगे जो रटेंगे, लेकिन रटना नहीं होता मैथ में, आप लोगों को दोस्तों कॉन्सेप्ट समझना होता है, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट पहले से बना दिया। अगर वहाँ से आप लोग देखते हो तो आपको दोस्तों 400 ऑब्जेक्टिव पाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कुछ दोस्तों मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होते हैं उसका भी मैं करा दूंगा, और दोस्तों इंग्लिश का भी आएगा। तो आप लोगों को दोस्तों यही कहना चाहूंगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन यानी कि घंटिया को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि इस चैनल के साथ आपको दोस्तों हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करा पाएंगे दोस्तों, और इस चैनल के साथ अपने हिसाब बने रहो जब तक आपका एग्जाम समाप्त ना हो जाए, जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। चलिए छोड़ा हुआ दोस्तों रास्ता कहानी के लेखक कौन है। देखिए छोड़ा हुआ रास्ता जो कहानी का दोस्तों जो लेखक है वो कौन है, चलिए बताइए कौन लिखे है छोड़ा हुआ रास्ता। देखिए दोस्तों छोड़ा हुआ रास्ता है जो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि करेक्ट आंसर की बात कहेंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए उसने कहा था कहानी कैसी कहानी का संस्मरण है दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। उसने कहा था दोस्तों जो कहानी है ये दोस्तों जो कहानी है दोस्तों किस संस्मरण पर आधारित है, चलिए ऑप्शन में दिया गया है मानवीय संवेदना पर आधारित, युद्ध के लिए उत्सर्जित करने वाले की युद्ध विरोधी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, युद्ध के लिए उत्सर्जित करने वाले दोस्तों उसने कहा था संस्मरण कहानी में दोस्तों उजागर किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नावा दास किसके समकालीन थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भीबीआई लगाओगे दोस्तों जितना भीबीआई लगाओगे उतना कम है, क्यों एकदम दोस्तों इसी टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है तो आपके दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं लेना है दोस्तों, आप लोगों को जितना ऑब्जेक्टिव कराता है उतना याद रख लिया, फिर 400 ऑब्जेक्टिव का महामैराथन क्लास आएगा दोस्तों, वो आपके लिए एकदम सिद्ध हो जाएगा दोस्तों, आप कितने एग्जाम में स्कोर कर पाओगे एकदम दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि एकदम दोस्तों जिसकी कल्पना नहीं, एकदम सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। आने वाला समय दोस्तों आपके लिए बेहतर हो, यही मैं आपसे कामना करना चाहूंगा दोस्तों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का बताइए, तुलसीदास हो जाएंगे दोस्तों, नावादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के दोस्तों थे नावादास दोस्तों, किसके दोस्तों समकालीन थे, तो तुलसीदास के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नावादास दोस्तों तुलसीदास के यहाँ पर क्या थे, तो समकालीन थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कवित के कवि कौन है। देखिए कवित के कवि दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कवित के कवि यानी कि दोस्तों कौन होने, कवि
कबीर के कवि यानी कबीर तो दोस्तों तो भूषण के द्वारा लिखा गया है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों भूषण है वो रीति काल के कवि है दोस्तों। किस काल के रीति काल क्या है और किस राज के कवि है तो वीर राज के कवि है। अब दोस्तों कवि भूषण को भूषण के उपाधि किसने दिया था तो रुद्र शाह ने दिया था। इसे भी आप लोग दोस्तों सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उपाधि दिया था। देखिए दोस्तों तीन ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से मैंने आपको करा दिया, एक चार ऑब्जेक्टिव कवित के कवि कौन है। देखिए दोस्तों आईसाइड ट्रिक आपको दिया जाएगा जब 400 ऑब्जेक्टिव दोस्तों भी लाया जाएगा। तो आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों जितना हो सके आप दोस्तों को बताइए इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से समझ रहे दोस्तों मैं आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करूँ दोस्तों। प्लस में 400 ऑब्जेक्टिव भी दूंगा। चलिए उसने कहा था दोस्तों उषा का जादू कब टूटा बतलाइए, उषा का जादू है वो कब टूट जाता है। तो दोस्तों मैंने कई बार इस कहा बतला सूर्योदय होने पर उषा का जो जादू है वो टूट जाता है। ठीक है दोस्तों क्या होता है उषा का जो जादू होता है दोस्तों सूर्योदय होने पर टूट जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताते हैं दोस्तों। 70 नंबर कहता है कि मुक्ति बोध के कविता मुक्ति बोध की जो कविता दोस्तों वो कौन सी है। देखिए दोस्तों मुक्ति बोध तो मुक्ति बोध यानी कि जान जान का चेहरा एक हो, जान जान का चेहरा गजानन माधव मुक्ति दोस्तों जान जान का चेहरा एक हो के रचनाकार हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों जान जान का चेहरा एक हो यानी कि जो लिखे है वो गजानन माधव मुक्ति बोध लिखे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, फुल वॉचिंग कीजिए, एकदम पूरा इंजॉय लीजिए, एकदम हिंदी एकदम इतना ईजी तरीके से बतलाऊंगा। चलिए हर गाना कौन थी दोस्तों, चलिए बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों इसका तो सभी लोग बतला सकते, इसका आंसर दोस्तों कमेंट करके बतलाना। एक दोस्तों घर का नौकर था कि एक चरवाहा था कि एक आदमी था कि गांव का मुखिया था, तो आप लोग कमेंट करके बतलाना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, प्यारे नन्हे बेटा को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। देखिए दोस्तों प्यारे नन्हे बेटा में दोस्तों लोहा जो है दोस्तों वो किसका प्रतीक है, तो प्यारे नन्हे बेटा में दोस्तों जो लोहा प्रतीक है वो कर्म का प्रतीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी है दोस्तों, 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एकदम याद रखना दोस्तों जो कर्म का प्रतीक है प्यारे नन्हे बेटा में दोस्तों लोहा है। ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन करें कि हार जीत कैसी कविता है। देखिए दोस्तों आप सभी लोग को बतलाना है हार जीत है दोस्तों वो कैसी कविता है, तो हार जीते दोस्तों वो गद्य कविता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, हार जीते दोस्तों वो गद्य कविता हो जाएगी। चले पुण्यात्मा का संदेह विच्छेद क्या होगा। देखिए पुण्यात्मा यहाँ पर आप लोग दोस्तों अगर नए भी नियम याद रखते हो तो एकदम दोस्तों पढ़े होंगे एकदम जड़ से, यानी कि क्लास 10 से पहले से पढ़ते आ रहे होंगे तो बिल्कुल दोस्तों बतला सकते हो। तो पुण्य जोर आत्मा यानी कि दोस्तों आ जोर आ बराबर आ यानी कि दोस्तों पुण्य आत्मा हो जाएंगे। क्यों तो दोस्तों यहाँ पर दीजिए आ यहाँ पर उच्चारण या में यार आ जोर आ बराबर देख सकते हो यहाँ पर या लिखा है यानी कि पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए वार्तालाप देखिए इसका भी बतला सकते हैं, जब पुण्य आत्मा का दोस्तों आप लोग बतला दे तो वार्तालाप कौन सी बड़ी बात है, वार्तालाप का भी आप लोग बतला दोगे तो वार्ता जोर आलाप हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों आ जोर आ बराबर आ यानी कि दीर्घ स्वर संधि ये भी है, यानी कि दोस्तों ये दोस्तों जो ये दोस्तों जो दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना वार्ता जोर लाप हो जाएंगे यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे वार्ता जोर आलाप। चलिए सर्वोच्च देखिए सर्वोच्च का संधि विच्छेद करना है, सर्वोच्च का संधि विच्छेद करना तो सर्वोजोर उच्च आप लोग इसका बतलाइए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बतलाइए। चार ऑप्शन आपके पास दोस्तों दिया सर्वोजोर उच्च हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों सर्वोजोर उच्च हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सर्वोजोर उच्च यानी कि दोस्तों आ जोर ऊ बराबर ओ होगा। ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी हो सकते हैं। ठीक है तो आप लोग यार इसका कमेंट करके बताएं, सर्व जोर उच्च भी हो सकता है और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो आप सब लोगों को दोस्तों क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताना, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा दोस्तों उसके आंसर को पिन कर दिया जाएगा। ठीक है तो सर्व जोर उच्च होगा या सर्व जोर उच्च होगा यानी दोनों में से कोई एक आंसर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना, जिसका आंसर आएगा उसको आंसर को पिन कर दीजिएगा। चलिए गिरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए गिरेंद्र तो गिरी इंद्र दोस्तों यानी कि यहाँ पर दोस्तों हार्सी कहाँ से दिया दीर्घ कहाँ से दिया गया, यानी कि दोस्तों ई जोर ई करेंगे तो दीर्घ ही प्राप्त होगा, यानी कि दोस्तों ई जोर ई दीर्घ यानी कि गिरी जोर इंद्र हो जाएंगे, गिरी जोर इंद्र हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो माना जोर हरा हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। ये दोस्तों विशाख संधि है तो माना जोर हरा हो जाएंगे,
मारा जोर हरा भरा दोस्तों मनोहर हो जाएंगे, मनोहर यानी कि राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि दोस्तों माना जोर हर क्यों होगा, ये विशाख सन है दोस्तों, माना जोर ना के बाद आया दोस्तों, तो वो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चले औघाट का, औघाट का उपसर्ग पूछा था दोस्तों। उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में लगता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों औघट में औ हो जाएंगे यहाँ पर उपसर्ग, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चले दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बदबू, बदबू में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। देखिए बदबू, बद, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, तो बदबू में दोस्तों बाद उपसर्ग हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रत्यय पूछता तो बू हो जाते, ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखना है। भगोड़ा में कौन सा प्रत्यय, देखिए भगोड़ा, भगोड़ा, ओड़ा, ओड़ा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भगोड़ा में दोस्तों जो क्या होगा प्रत्यय जो होगा वो ओड़ा प्रत्यय होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चले समझौता, औता, समझौता, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो समझौता, औता, समझ, तो दोस्तों समझ रहे हो समाज, ठीक है दोस्तों समाज, ये दोस्तों औता इसमें जो हो जाएगा वो दोस्तों क्या देंगे, तो यहाँ पर उपसर्ग हो, सॉरी प्रत्यय हो जाएंगे लास्ट में लगता है, तो प्रत्यय, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है कि परोक्ष का समास कौन सा होगा। देखिए दोस्तों परोक्ष यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, तो समास का मैंने ट्रिकी वीडियो बतला दिया है, प्लेलिस्ट में यार जाकर के देख लेना, या तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या। परोक्ष, परोक्ष में दोस्तों पाए यहाँ पर क्या हो जाएंगे उपसर्ग हो रहेंगे, इसलिए इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। पहले भी कई बार आंसर बतला चुका हूँ, परोक्ष में दोस्तों जो समास होगा वो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, अव्यय समास होगा। चले भार पेट कौन सा दोस्तों समास है। देखिए भार पेट दोस्तों, भार पेट यानी कि यहाँ पर भार उपसर्ग आ रहा है, क्या रहा दोस्तों उपसर्ग आ रहा है, इसलिए अव्यय समास हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 32 नंबर, त्रिभुवन में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों त्रिभुवन संख्या बतला रहा है, तो आंख मुड़ के दोस्तों क्या मारेगा, तो मैंने बताया संख्या बतलाएगा तो द्विगु समास, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। त्रिभुवन में दोस्तों समास होगा वो द्विगु समास होगा। चले भाई बहन, देखिए दोस्तों दिन रात दोस्तों सीताराम लोटा डोरी गाय भैंस ये सब दोस्तों जो होता है वो कौन समास होता है, तो द्वांद समास होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, क्यों मैं संख्या नहीं बताया, तात्पुरुष समास होगा ना दोस्तों, कारक इसमें है नहीं है, विशेष विशेष तो है नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगर आपको दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होती है समास में, तो प्लीज यह वीडियो जाकर के देखना, प्ले लिस्ट बना है। गंगा जल में कौन समास, देखिए गंगा का जल, गंगा का जल यानी कि दोस्तों का यहाँ पर लोप हो रहा है, यानी कि कारक का जिसमें लोप होगा गंगा का जल दोस्तों, ठीक है, गंगा का जल यहाँ पे का लोप हो रहा है, यानी कि दोस्तों जिसमें कारक का लोप होता है वो तात्पर्य समास है, कई बार बात लाए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आता समास का वीडियो, तो प्लीज यहाँ जा करके देख लेना। कृपा का विलोम शब्द क्या कहते हैं, कि कृपा, तो कृपा का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, तो कृपा का विलोम शब्द कोप हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे देंगे। करुण में कौन विलोम है, करुण का विलोम होता है, करुण का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, तो करुण का दोस्तों निष्ठुर होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, निष्ठुर यहाँ पर करेक्ट आंसर देंगे। चले 37 नंबर कह रहे हैं खंडन का विलोम होता है, खंडन का दोस्तों जो विलोम शब्द होता है वो कौन सा होता है, तो खंडन का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो खंडन, तो खंडन का दोस्तों टुकड़ा करना तो होगा नहीं, तोड़ना तो होगा नहीं दोस्तों, मंडन भी कह सकते हो दोस्तों, यानी खंडित करना भी हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर मंडन होगा, ठीक है दोस्तों, खंडन का मतलब ही होता है टुकड़ा करना, तोड़ना, खंडित करना, यानी कि मंडन कह सकते हो टुकड़ा, यहाँ पर दोस्तों खंडन का विलोम शब्द हो जाएंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करेंगे घोष का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए घोष का अघोष हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अर्वाचीन का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा, अर्वाचीन, अर्वाचीन का जो विलोम शब्द है दोस्तों प्राचीन हो जाएंगे, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चले पक्षी का पर्यायवाची पूछा, देखिए दोस्तों पक्षी, पक्षी का दोस्तों पूछा तो खाग हो जाएंगे, यानी कि पक्षी का जो विपरीत या सॉरी पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि समानार्थी शब्द होता है वो खाग होता है। चले सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देखिए दोस्तों जय माँ शारदा, तो सब लोग अपने अपने बुक में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, तो शारदा हो जाएगी, क्या हो जाएगा दोस्तों, शारदा हो जाएंगे, यानी कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द शारदा हो जाएगा। चले स्मरण का, स्मरण का यहाँ पर विशेषण क्या होगा, तो स्मरणीय हो जाएगा दोस्तों कि स्मरणकारी हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्मरण का जो विशेषण जो होगा वो क्या देंगे, तो स्मरण, स्मरण यानी कि दोस्तों स्मरणीय हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
चले संपादक का विशेषण क्या है, संपादक का संपादकीय देंगे, भारत का पूछेगा तो भारतीय देंगे, भूगोल का पूछेगा तो भौगोलिक हो देंगे, इतिहास का पूछेगा तो ऐतिहासिक हो देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही होता है विशेषण में। ठीक है तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है संस्कृत का विशेषण है। देखिए संस्कृत का जो विशेषण शब्द होता है दोस्तों वो क्या होता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सब लोग बता सकते हैं। संस्कृत तो दोस्तों संस्कृत तो सांस्कृतिक हो जाएंगे, क्या है दोस्तों सांस्कृतिक हो जाएंगे। ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चले बान के कितने भेद हैं, सब लोग बता सकते हैं बान के कितने भेद हैं, तो बान के दोस्तों दो भेद हैं, स्वर बान और व्यंजन बान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चले संधि के में क्या होता है, संधि में क्या होता है दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों संधि में विच्छेद होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गुदड़ी का लाल होना, देखिए गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गुदड़ी का लाल होता है दोस्तों निधन पर हमें गुनी का जान, यानी कि दोस्तों निधि निधन परिवार है उसमें गुनी का जन्म हो गया, यानी कि गुदड़ी का वो लाल है। ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन करा कि दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों दिए तले मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दिए तले मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आपने दोस्त स्वयं ना देखना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर करेक्ट और उत्तर जो हो जाएगा दिए तले अंधेरा, दिए तले मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों आपने स्वयं को दोस्तों जो होता है अपने दोस्त जो होता है स्वयं ना देखना, यानी दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए दोस्तों आप लोग लोहे के चने चबा रहे हो कि नहीं, अगर चबा रहे हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिए यस हम चबा रहे हैं लोहे के चने, तो बताइए लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन में दिया कठिन परिश्रम करना, लोहे के चने चने नहीं होते, ऑप्शन सी में दिया गया है लोहा का भी लोहा तो सुने कहीं नहीं चबाया जाता, ऑप्शन नंबर डी होता है। देखिए दोस्तों लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, यानी कि कठिन परिश्रम करना, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं, आग में घी डालना, देखिए आप लोग आग में घी डालते हो तो क्या होता है, आग और दोस्तों तेज हो जाती है, यानी कि आग तेज से जलने लगता है। ठीक है यही ना होता है, तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ पूछा, तो दोस्तों आप लोग बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो यहाँ पर आग में घी डाल रहे हैं कि किसी के क्रोध को दोस्तों आए वो दोस्तों बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि भड़का रहे हैं, किसी के क्रोध को दोस्तों वो बढ़ा रहे हैं यानी कि भड़का रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे, यानी कि दोस्तों आग में घी डालना मुहावरे का होता है किसी को क्रोध को बढ़ाना। ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चले नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए नाक काटना एक होता है, एक नाक काटना होता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे। देखिए दोस्तों नाक काटना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नाक काटना मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ होता है वो अपमानित होना होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, देखिए आप लोगों को बताया ना अधिनायक जो शीर्षक कविता दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अधिनायक शीर्षक कविता दोस्तों वो रघुवर साय के द्वारा लिखा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि जो है वो रघुवर साय हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए गाल बजाना, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सब लोग बताइए तो सब लोग चैट में आंसर दीजिए क्या हो जाएंगे। गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, डेंगा होना कि घबरा जाना कि गायब हो जाना कि इनमें से कोई नहीं, तो गाल बजाना यानी कि दोस्तों गाल बजा रहा है यानी कि ढींग होंक रहा है। ठीक है दोस्तों फालतू में बक रहा है, ढींग होंक रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। दोस्तों गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो ढींग होंकना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, ऐसे हमेशा क्लास ज्वाइन करो। आसी का विलोम क्या है, देखिए आसी आसी का विलोम दोस्तों पूछा, देखिए आसी का विलोम पूछेगा यानी कि दोस्तों आलसी यानी कि कुछ नहीं करने वाला, एक होता है परिश्रम एकदम खूब मेहनत करने वाला, जैसे एग्जाम एकदम लगे हुए एकदम डायरेक्ट टॉपर, और आप लोग दोस्तों हैं कि एकदम लगे हुए हैं एकदम बिल्कुल एकदम 80 से 90% लेकर के आएंगे, एकदम पक्का ला सकते हैं दोस्तों, लाए लोहे के चने चबाइए आप लोग। ठीक है तो यहाँ पर आलसी का जो विलोम शब्द होगा वो परिश्रम ही होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो देंगे। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, देखिए एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएंगे। भगत सिंह के पिता, ठीक है दोस्तों भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय सुने दोस्तों उनके ही सहयोगी थे,
तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया वही उसका करेक्ट आंसर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो नभागा सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे दोस्तों। तो चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया। तो दोस्तों लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो किसका करेक्ट आंसर है। भागा सिंह और दोस्तों चाचा किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 56 नंबर, नीलांबर में कौन सा समाज, देखिए दोस्तों नीलांबर नीला हो अंबर, ठीक है दोस्तों नीला हो अंबर, ठीक है दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या, नीला हो अंबर अर्थात दोस्तों क्या हो जाएंगे, यह कौन सा समास है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बाहुबली समास भी दिया गया, कर्मधार भी समास दिया गया, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बाहुबली समास होना चाहिए। किस लिए दोस्तों, अगर नए बाहुबली समास रहेगा तो कर्मधार मार सकते हो, लेकिन दोस्तों कर्म यहाँ पर बाहुबली समास दिया गया तो राइट आंसर ऑप्शन उठी देगी। आप लोग यार एग्जाम में पहले जाना तो ये नहीं देखना कर्मधार समास ऑप्शन में मार देना, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप लोग देखना बाहुबली समास ऑप्शन में दिया गया कि नहीं, अगर दिया गया तो ऑप्शन नंबर डी को ही टिक करना, अगर नहीं दिया जाएगा तो कर्मधार को टिक करना। तो मेरे से इसका आंसर दोस्तों दोनों चाहे होना चाहिए, अगर एग्जाम में आएगा तो बाहुबली माना, क्यों तो कर्मधार ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर बाहुबली हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका दोस्तों नहीं दिया रहता क्या, अगर बाहुबली नहीं दिया जाता तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाता है, ठीक है तो आप लोग इसे याद रखना। चलिए दोस्तों चातकी किसके लिए समझते हैं, देखिए चातकी दोस्तों स्वाति की एक छोटे से बूंद के लिए तरस रही है, ठीक है राइट आंसर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, एक छोटे से बूंद के लिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कितना दोस्तों 58 नंबर, तुमुल कोलाहल कला में दोस्तों जो रचयिता वो कौन है, देखिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद का नाम सुने होंगे सभी स्टूडेंट, तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, क्यों देखिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, आप लोग इसे भी याद रखना। और ये दोस्तों जो शीर्षक कविता है दोस्तों इनकी जो तुमुल कोलाहल कला में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चक्र पानी में कौन सा समास है, देखिए चक्र पानी तो दोस्तों चक्र पानी यानी कि अलग अर्थ निकल रहा है तो बाहुबली समास हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। चलो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है, चलिए बताइए फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है, चार ऑप्शन दिए गए हैं महिला वचन है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आइयो दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी कराए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। साथ में अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा ये वीडियो नॉलेज में लगा है, थोड़े से दोस्तों आपको ज्ञान विशेष मिल गई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम।